नवरात्रि का होता था, ऐसे अभी तरह नवरात्रि में चनिया चोली लोग भाड़े पे लेते हैं, ऐसे अभी शादियों के भी जो कपड़े होते हैं वो सब लोग भाड़े पे लेते हैं, अलग अलग होते हैं, 1500 रुपया, 1000 रुपया, जैसे जैसे उनका भाड़ा रहता है। और बहुत लोग सूट शेरवानी ब्लेजर सब भाड़े पे लेते हैं, और बहुत अच्छा लोगों को लगता है क्योंकि उसमें उनका कम बजट में काम हो जाता है। मध्यम लोगों के लिए के भी अच्छा रहता है कि उनके एक बार पहनने के लिए इतना खर्चा करने की वो नहीं होती, उसके लिए वो लोग भाड़े पे लेते हैं। तो ऐसे सब लोग भाड़े का अभी धीरे धीरे एक दूसरे को पूछते हैं, और कैसा तूने भाड़े पे लिया, तो वो लोग बोलते मैं भी भाड़े पे लूँगा नेक्स्ट टाइम से, ऐसे करके रखे। अभी लोग ज़्यादा भाड़े का ट्रेंडिंग आ गया, और बाहर के लोग जो विदेश से आते हैं वो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि एक बार पहन के इतना खर्चा करके इतना कहाँ करना, वो लोग भी, और 100 में से 5% वो भी लोग भाड़े के लिए वो लेते, दूसरे लोग तो नहीं लेते। पर धीरे धीरे ऐसा चल रहा है, बस धीरे धीरे कोई भी धंधा में क्या है, धीरे धीरे उसका चल रहा है, और भाड़े में अच्छा लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके लिए लोग आते भाड़े पे। वहाँ हम अलग अलग रखते, जैसे कि सूट ब्लेजर सनिया चोली प्री वेडिंग के कपड़े ऐसे रखते, नॉर्मली हाँ हो जाता हमारा काम।